हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्पिता। आज मैं हूँ आज अपने गार्डन में और मेरा जो रोज़ का गार्डन है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं मेरे रोज़ गार्डन को। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये एक मेरे घर का रोज़ है। बहुत अच्छा दिख रहा है और मुझे बहुत पसंद है ये कलर। एकदम डार्क रेड में है और काफ़ी बड़े साइज़ का है। तो जब हम रोजेस की बात करते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है आप कौन से साइज का गमला लें और किस तरह का सॉइल बनाएं। देखिए, हम एकदम बारीकियों से चालू करते हैं, एकदम बेसिक स्टेप से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले होता है गमला। तो आपका जो पौधा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको गमला सेलेक्ट करना होगा। ऐसे नहीं है कि आपका छोटा सा एक पौधा है और आपने बहुत बड़ा गमला ले लिया है। आपके गमले का साइज आपके पौधे के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात ये आती है कि हम कैसे डिसाइड करें। तो जब आप एक पौधा देखते हैं और उस पौधे का हाइट अगर 1 फीट 2 फीट है, ज़्यादा घना नहीं है, छोटा सा पौधा है, तो आप उस पेड़ को 8 इंच गमले से स्टार्ट कर सकते हैं। अब गमले में भी 2 तरह के गमले होते हैं, एक होता है मिट्टी का और एक होता है प्लास्टिक का। आप दोनों में से कोई भी गमला ले सकते हैं। ज़्यादा मैं मिट्टी का गमला प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है और गर्मी में प्लास्टिक के गमले का कलर बहुत ख़राब हो जाता है, इसीलिए मैं मिट्टियों के गमले प्रेफर करती हूँ। तो आप एक 8 इंच का गमला ले लें और अपने पेड़ को लगाएं। जब भी आप गमला लेते हैं तो गमले के नीचे होल होना बहुत ज़रूरी है। तो उस होल पे एक चिप लगा दें ताकि जब आप मिट्टी भरें तो उस होल को मिट्टी ब्लॉक ना करें। तो एक चिप लगाएं, छोटा सा एक टुकड़ा, अगर कोई पुराने गमले का टुकड़ा है या टाइल्स का टुकड़ा है तो उससे आप उस होल को कवर कर दें। जैसे आप होल को कवर करते हैं उसके बाद आपके वहाँ पे अगर बारीक साइज़ की गिट्टी है तो नीचे गमले में थोड़ा सा 2 से 4 मूठ गिट्टी डाल दें, या फिर बहुत रेती अगर है तो आप रेती डाल दें ताकि जो अंदर का जो होल है वो कभी भी ब्लॉक ना हो। तो उससे पानी पूरा नीचे से बह जाएगा और कभी भी मिट्टी नीचे नहीं आएगा जिसके कारण वो होल जो है वो ब्लॉक हो सके। तो इस तरह से नीचे चिप लगाएं और उसके ऊपर आप गिट्टी डालें या रेती डाल के 2 सेंटीमीटर तक का फिल कर दें। उसके बाद बारी आती है मिट्टी डालने की। जब भी आप पेड़ लगाएं तो आप देखें कि ऊपर से 2 से 3 सेंटीमीटर तक खाली रहे और उसके अकॉर्डिंग आप अपने पेड़ के हाइट को सेट करें। नीचे मिट्टी डालें, उसके ऊपर पेड़ को रखें, फिर मिट्टी डालें ताकि आपके जो पौधे का जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ब्रांचेस निकलना वो मिट्टी के नीचे नहीं आना चाहिए, तो वो हर वक्त मिट्टी के ऊपर होना चाहिए। अब हम कैसे करें, हम जो सॉइल मिक्स बनाते हैं, जो मैं बनाती हूँ इन पौधों के लिए, उसमें होता है गार्डन सॉइल, सैंड और वर्मी कंपोस्ट। आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट के जगह काउडंग मैनुअर ले सकते हैं, पर काउडंग मैनुअर 2 साल का पुराना होना चाहिए, सूखा हुआ होना चाहिए और एकदम लम्स नहीं होने चाहिए। अब सैंड, सॉयल और वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैनुअर को आप इक्वल प्रोपोर्शन में लें। मतलब अगर आपको 4 गमले में पौधे लगाना है तो आप सब एक एक गमला ले लें। तो 3 गमले का जब आप मिक्स बनाओगे तो उससे 4 गमला में पौधा लग जाता है, क्योंकि हमको पूरा सर तक गमले में मिट्टी नहीं भरना है, हमको ऊपर से 3 सेंटीमीटर के आसपास खाली रखना होता है। तो आप सॉइल ले लें 1 गमला, सैंड ले लें 1 गमला और अपना कंपोस्ट मिक्स या फिर काउडंग मैनुअर 1 गमला ले लें। उसको अच्छे से मिक्स करें। जब आप मिक्स करेंगे, आप मेरे दूसरे वीडियोस में भी आपको दिख जाएगा सॉइल कैसे हम मिक्स करते हैं, पर जब आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये सॉइल बहुत ही लाइट वेट का हो जाएगा और बहुत ही फ्लफी होगा, एकदम नरम सा होगा। आप पकड़ेंगे, हाथ से दबाएंगे तो मुट्ठी बन जाएगी और आप हाथ से उसको मुट्ठी को खोलेंगे तो पूरा अलग अलग हो जाएगा। इस तरह के टेक्सचर का आपका सॉइल तैयार हो जाए। अब आप उस सॉइल मिक्स में आराम से अपने पौधे को लगाएं। अगर बहुत ज़्यादा पानी हो रहा है, बारिश भी हो रहा है, तो भी पानी
निकल जाता है उस सॉइल मिक्स में। ये जो पूरे फ्लावर्स हैं ये सारे में मैंने इस सीज़न में वूसी में फिर से रिपॉटिंग की है। आप सबको पता है कि रोज़ जो है वो बार बार आपको हर साल आपको रिपॉटिंग करनी है अगर आपने गमले में लगाया है, तो ये अक्टूबर या नवंबर में आपको रिपॉटिंग करनी होती है जब ठंडी आने लगती है। उसी टाइम पे हम इसको कटिंग भी करते हैं, पूरे जितना आपको प्रूनिंग करना है आप अच्छे से हार्ड प्रूनिंग कर ले और उसके बाद आप उसको रीट्रांसफ़र कर ले। तो ये रीट्रांसफ़र का काम मेरा हो चुका है और अब हम इसके केयर की बात करते हैं। तो जैसे आप पौधा लगा लेते हैं आप किसी भी सीज़न में रोज़ लगा सकते हैं। रोज़ सब सोचते हैं कि बहुत टफ़ पौधा है, पर रोज़ ऐसा एज सच कोई टफ़ नहीं है, आपके घर में आराम से रोज़ उग सकता है। तो जब आप रोज़ ले आएँ, रोज़ का पौधा ले आएँ, इस तरह से आप लगा लें, तो सिर्फ़ और सिर्फ आप पानी डालें। पानी कितना डालना है ये डिपेंड करता है कि आप कौन से मौसम में पानी डाल रहे हैं। बात अगर करते हैं अभी के सीज़न में, अभी जैसे ठंडी है तो दिन में एक बार पानी डालें तो वो सफिशिएंट है, पर गर्मियों में आपको कम से कम दो बार डालना है। तीसरी बार भी अगर आप पौधों को नहला दें तो अच्छा होगा। बारिश के मौसम में लगता नहीं है, फिर भी आप अगर बारिश नहीं है तो आप एक से दो बार पानी डाल सकते हैं। पर आप जब भी पौधा लगाएं तो पहली बार पूरा गमला भर के पानी भर दें ताकि पूरे अंदर का सॉइल पानी को एब्जॉर्ब करे और एक्सेस वाटर, क्योंकि आपने सॉइल मिक्स बहुत अच्छा बनाया है तो एक्सेस वाटर नीचे से पूरा निकल जाए। और आप थोड़े ही देर में देखेंगे कि पूरे गमले का पानी नीचे निकल चुका है और गमले में बिल्कुल पानी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपके गमले में पानी बैठ रहा है, अगर पूरा फर्स्ट टाइम पे नहीं निकला है, मतलब आपका नीचे का होल ठीक से सेट नहीं हुआ है, वापस से आप पेड़ को निकालें और फिर से उसको सेट करके लगा दें, क्योंकि वाटर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैंने आज आपको बताया सबसे पहली चीज़ गमला कैसा लेना है और उसके बाद आप नीचे सॉइल मिक्स कैसे बनाएंगे और उसको सेट कैसे करेंगे। अब रही बात अगले साल, मतलब इस साल आपने पौधा लगाया, अब अगले साल हम कैसे करें। अगले साल जब आप ठंडी के शुरुआत में उसको रीपॉट करेंगे तो आप अपने पेड़ के साइज़ को देख लें। आपका जो गुलाब का पौधा है वो अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है तो उसको एक साइज़ ऊपर के गमले में शिफ्ट करें। जैसे इस साल अगर आपने 8 इंच में लगाया है तो अगले साल आप उसको 10 इंच में लगाएं। इस साल अगर आपने 10 इंच में लगाया है तो अगले साल उसको आप 12 इंच में लगा सकते हैं। तो जैसे ही आप सॉइल पेड़ को एक ऊपर ग्रेड में चेंज करते हैं तो उस टाइम आपको देखना होगा कि उसके अंदर रूट्स कैसे आती है, क्योंकि जब हम चेंज करते हैं तो पूरा पेड़ निकालना है, पूरी मिट्टियाँ हटानी है और उसके बाद रूट्स को कट करके वापस से फिर से नए पौधे जैसा उसको सेट करना है। तो ये मैं इस साल कर चुकी हूँ, नेक्स्ट ईयर मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगी। और ये मेरे रोज़ का पौधा है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से मैं अपने रोज़ में मैनुअर डालती हूँ, क्या मैनुअर डालती हूँ और मैं कैसे उसको फंगीसाइड स्प्रे करती हूँ, कब करती हूँ, ये सब मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो आज का जो वीडियो था वो मेनली मैंने फोकस किया कि आप गमला कौन सा ले सकते हैं और इस तरह के सुंदर सुंदर फूल के लिए आप सॉइल मिक्स कैसे बना सकते हैं। अगर आपका सॉइल मिक्स एकदम परफेक्ट है तो आपका 90% काम हो चुका है, आपको बाकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप बीच बीच में मेरे वीडियोस को देखते रहिए, फॉलो करिए, ताकि आपको रोज़ के प्लांट जो प्लांट केयर है वो आपको समय समय पे मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। आप मेरे रोज़ेस के वैरायटीज़ को देखिए और आपको कैसा लगता है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर।